राजधानी भोपाल में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जलवायु परिवर्तन की तरह एक गंभीर समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। एंटीबायोटिक दवाएं जब रोगाणुओं पर बेअसर हो जाती है उस स्थिति में रोगाणुओं को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। इसका मुख्य कारण एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, एक साथ कई एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन, एंटीबायोटिक दवाओं का निर्धारित मात्रा में कम डोज या कम दिन तक सेवन, अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। इसके अतिरिक्त पशुओं और कृषि के क्षेत्र में भी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं। भोपाल से संवाददाता सौसदी की रिपोर्ट। दवाई की दुकान पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर से बोलते हैं कि मेरे को एजिथ्रोमाइसिन दे दो, मेरे को एमोक्सिसिलिन दे दो, मेरे को गला खराब है। अरे गला खराब के 90% चांसेस होते हैं वायरल, इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं होगी। तो बिना जरूरत के भी लोग बाग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हम लोग अवेयर करना चाह रहे हैं, मीडिया के लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी पूरी जानकारी आम जन तक जाए। हमारे लोग बाग भी सेंसिटाइज हों कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करने से आने वाले दिनों में कितनी तकलीफ होगी, वो उसके बारे में बताएं। तो वो लोगों को आप लोगों के थ्रू शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे डॉक्टरों पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मेडिकल स्टोर पर या हमारे कोएक्स पर या आम जन अपने आप से दवाई खरीदता है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आप लोग अगर छापेंगे, आप लोग अपने मीडिया में दिखाएंगे, तो आम जनता तक ये खबर पहुँचेगी कि अगर हम एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये इसीलिए इस अवेयरनेस वर्कशॉप का प्लानिंग की गई है। इसके अलावा भी और कोई आप मुहिम चला रहे हैं, जैसे आप माध्यम से तो बताए रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई और मुहिम चलाई जा रही है दुकानों तक पता चले? नहीं, हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हमारे हर जिले में आप ये देख रहे हैं, हमारा हर जिला अस्पताल जुड़ा है, हर CMHO जुड़ा है। ये वर्कशॉप के बाद वो लोग अपने जिलों में भी वर्कशॉप करेंगे। हमारे फूड एंड ड्रग रेगुलेशंस वाले भी देखेंगे कि एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना बेची जाए दुकान पर। हम डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना लिखें।